मेरे YouTube चैनल राधा स्वादम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भाकरवाड़ी। यह गुजरात का ट्रेडिशनल डिश है और यह बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें लिया है। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, ये 3 आलू है बॉयल किया हुआ, ये आधा कप मैदा में पानी डाल के पतला घोल बना लिया है, आधा छोटा जिंजर है आधा इंच का जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये आधा छोटी चम्मच जीरा का पाउडर है, आधा छोटा चम्मच आमचूर है, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च है, नमक स्वाद अनुसार है, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड है या तेल, आप इसके जगह पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या आधा 1 चम्मच जवाइन है, और ये मिर्ची का पेस्ट है, ये भी 1 छोटी चम्मच है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले इसके लिए हम सबसे पहले इसका डो बना लेते हैं। हम मैदा ले लेते हैं, इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और ये तेल डाल देनी है। अजवाइन डाल देते हैं और हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। थोड़े थोड़े पानी डाल के हमें इसे हार्ड डो बनाना है, पूरी के आटे के जैसा डो इसे बनाना है। ये हमारा आटा बन गया है। अब हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दे देते हैं। अब हम आलू का स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए एक बाउल लेते हैं, उसमें हम ये आलू डाल देंगे, इसे थोड़ा मैश कर लेते हैं। इसमें ये सब चीज़ें डाल देनी है, ये मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, इसमें आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से मैश करना है। अब देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। अब हम चलिए इसका बनाते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका रोल बनाएंगे। इसे हम साइड कर देते हैं और इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है। इसे हम सरफेस पे रोल करेंगे, आपका सरफेस क्लीन होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आटा डाल के इसे बड़ी सी रोटी बनाएंगे। अब देखिए मैंने इसे बेल के बड़ा बना लिया है। अब हमें हाफ स्टफिंग लेना है और इसके ऊपर रख के इसे अच्छी तरह से फैलाना है। आप चमचे की मदद से या फिर हाथ से भी फैला सकते हैं। अब हमें इसे रोल करना है। इस तरह हम साइड से उठाएंगे और इसे रोल करेंगे। लास्ट में हम ये जो घोल बनाया है उसे थोड़ा सा लगा देंगे। और इसे चिपका देंगे। हम इसे साइड से बंद कर देंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देते हैं। अब हमें इसे चाकू से काटनी है। हम 1/2 इंच का काटेंगे इस तरह से। इस तरह से काट काट के हम एक प्लेट में रखते हैं। इस तरह हम सभी काट लेंगे। तो देखिए हमने सारे भाकरवाड़ी को काट के तैयार कर लिया। अब इसे गरम तेल में तलेंगे। तो देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम एक एक भाकरवाड़ी को इस पतले से घोल में डालेंगे और चम्मच की मदद से इसे गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरह हम सारा डाल देते हैं।
इस तरह से हमें निकालना है, डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देना है। घोल हमारा पतला होना चाहिए, नहीं तो इस पे ज़्यादा बैटर लग जाएगा। इस तरह हम सभी डाल देते हैं। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया है और इसे गोल्डन क्रिस्पी होने के बाद इसे हमें निकाल लेना है इस पे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्प होने देते हैं। अच्छी तरह से यह गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक दूसरे प्लेट पे। ये देखिए दूसरे प्लेट पे निकाल लेते हैं। और हम इसमें दूसरा बैच डाल देते हैं। तो देखिए मैंने सारे भाकरवाड़ी को तल के निकाल लिया है। ये बहुत ही क्रिस्प बनी है, बहुत अच्छी बनी है। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे आप शाम के टाइम या किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।